हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल ए टू जेड इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबी जीडी यांत्रिकी 2021 रिजल्ट आउट बिग अपडेट को लेकर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट यहां पे दोस्तों वीडियो रहने वाली है। रिजल्ट जो कि अभी तक जो कि जारी होना चाहिए था 12 अप्रैल, आज है। बहुत सारी कैंडिडेट के लगातार कॉल मैसेज आ रहे हैं और बहुत सारी कैंडिडेट ऐसे भी हो सकते हैं, बोल सकते हैं कि आपके पास ऐसे कोई मैसेज नहीं आ रहे हैं, तो मैं आपको प्रूफ के तौर पे भी दिखाने वाला हूं। एक कैंडिडेट का दिखा दूंगा, बहुत सारी कैंडिडेट के, क्योंकि मैं नंबर सेव नहीं कर सकता। एक कैंडिडेट का नंबर 24 सेव किए हैं मैंने और उनका जो कि बार बार मैसेज भी आ रहे हैं, फ़ोन भी आ रहा है, तो व्हाट्सअप नंबर दोस्तों मैंने मैंसन कर रखे हैं, तो इसके जो कारण बहुत सारे कैंडिडेट हमसे जुड़े हुए हैं। और दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, सबसे पहले अपडेट मिल जाती है। कोई यूट्यूब का नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो आपको पीडीएफ यहाँ पे मिल जाती है। एनालिस्ट जो है आपको उनकी पीडीएफ, नोटिफिकेशन पीडीएफ, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, तो आप जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए। जो भी कॉमन डाउट होते हैं वो सभी कैंडिडेट के क्लियर हो जाते हैं, तो उसको भी जाकर जो दोस्तों सबसे पहले फॉलो कीजिए। आपको लगातार बहुत सारे कैंडिडेट जुड़ भी रहे हैं, उन सभी को थैंक्स। तो दोस्तों अब चलते हैं हम ऑफिशियल वेबसाइट पे आईसीजी की, वहां पर बात करते हैं। देखिए भाई, बोल सकते हैं कि आप व्यूज के लिए वीडियो बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे तुम समस्या समझ सकते हो। और भाई आप बोल भी सकते हो कि ये भी फेक है, कोई बड़ी बात नहीं है कि आप जो इस प्रकार से कर सकें, जो भी आपको सोचना है वो सोचिए। लेकिन भाई बहुत सारे कैंडिडेट परेशान है, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ यहाँ पे, जो कि लगातार पूछ रहे थे कि कोस्ट गार्ड का रिजल्ट का फिक्स डेट बता दीजिए, 12 अप्रैल था लेकिन रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर क्यों नहीं किया गया। तो चलिए अब ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं और ऑफिशियल अपडेट अभी जो आईजी की तरफ दिया है, जो कारण पूछा जा रहा है कि क्यों नहीं जो कि रिजल्ट आ रहा है, कारण क्या है। 12 अप्रैल बोला तो भाई एक चीज आप समझना चाहिए कि 12 अप्रैल आपको रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं बोला। उन्होंने कहा था कि रिजल्ट की 20 के भीतर रिजल्ट जो कि डिक्लेयर कर दिया जाएगा, तो ये आपको बोला गया था। तो आपको रिजल्ट जो 12 अप्रैल को नहीं कहा गया था, पहली चीज। तो देखिए जो भी कंफ्यूज हो रहे हैं उनको समझना चाहिए इस चीज को। और देखिए भाई सभी एक्टिव हैं, क्योंकि भाई जिन्होंने अच्छा किया है वो तो आपको पता है कि भाई उनके जो यही होगा कि एग्जाम का रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा जल्दी आ जाए और हमारा जो सिलेक्शन हो। जिनको नहीं लगता है, जिनको टाइम पास करना है, भाई वो क्यों कहेंगे, वो तो सिर्फ यही बोलेंगे हमें क्या मतलब है, आप वीडियो जब रिजल्ट आए तब लेके आना, कुछ भी बोल सकते हैं। भाई हमारा काम है अपडेट करना, हम अपडेट करें। तो कोविड का इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हो सकता है रिजल्ट आज नहीं आया तो कल आ जाए, 13 या 14 तारीख बीच है दोस्तों, आज नहीं आया तो कल दोस्तों या परसों रिजल्ट आपका आपके सामने होगा। और जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखो, ताकि आपको हर चीज जो कि वहां पे करवाई जाती है वो चीजें भी आप जो साथ में कर पाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है, वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।